हेलो दोस्तों। तो दोस्त कैसे हैं दोस्त? आशा करता हूँ सभी दोस्तों की सेहत अच्छी होंगे और आपकी दुआ से हमारी भी सेहत अच्छी है। और दोस्तों कम ज़्यादा वीडियो तो आ रहा है लेकिन उतना बड़ा वीडियो अभी तक ला नहीं पाया बहुत दिन के बाद, तो छोटा छोटा वीडियो हम डाल रहे हैं। तो दोस्तों आपको तो पता चल ही गए होंगे ये कौन से कॉइल है, ये कौन सी बोट है। दोस्तों फिर से हम कहते हैं कि ये डीसी सोलर फैन है, यानी बैटरी पे चलता है 12 वोल्ट का, उसका सर्किट है। कोई शॉप पे इसको ये गया था लेकिन ये रिपेयर नहीं हो पाया। आगे इसमें नंबर मीटर दिया गया था, पहले पहले हमने इसको रिपेयर किया था दोस्तों, इसका नंबर मीटर दिया गया था, रिपेयर किया था, उसका नंबर हमने नंबर मिटाया नहीं। जो मॉस्फेट हमने डाला था इसमें दोस्तों मॉस्फेट रहता है, चार मॉस्फेट रहता है। आपको नंबर दिखा दूं, पहले का मॉस्फेट का नंबर मिटा दिया गया है, गया था इसका, ये वाला और एक F95040M RFZ44N। इस तरफ सेम नंबर है, दोनों साइड का सेम नंबर है और 20 के दोनों सेम नंबर। तो सेंसर आगे में दिया हुआ है और यहाँ पे प्लस माइनस डायट दिया हुआ है बैटरी कनेक्शन का। तो इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन सभी दोस्तों को तो पता ही होंगे क्योंकि ये सोलर फैन है और इसमें क्या क्या रहता है। हमारे पास दोस्तों और भी सोलर का फैन का सर्किट है और एक है, जलकर ये देख सकते हैं, ये ट्रैक जल गया होगा, यहाँ पे टंगस्टन फट गया है और क्या क्या शॉर्ट है इसमें पता लगाएंगे बाद में। लेकिन पहले इसको हम रिपेयर करते हैं, ये पहले भी हमने रिपेयर किया था और उसके बाद कौन से शॉप पे दिया था हमको पता नहीं, लेकिन वो ये टंगस्टन ख़राब हो गया था तो ये टंगस्टन लगाया नहीं अभी तक, ऐसे ही लेके आए कस्टमर। हम खोल के दिखा तो ये टंगस्टन नहीं था, यानी मॉस्फेट नहीं था। तो छोड़िए ये बात, पहले हम मॉस्फेट को एक बार एक लगा देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से शोल्डर को हटाएंगे पहले। दोस्तों इतना ये ट्रैक जो बनाया है दोस्तों, इतना घटिया ट्रैक बनाया है, क्या बताऊं दोस्तों, सिर्फ सोलर फैन में ऐसा ही होता है, एकदम घटिया ट्रैक बनाता है। इसका कोई वीडियो लंबा होने वाले है लेकिन कुछ तो सीखने को मिलेगा। ये टंगस्टन लगाने से पहले हम मीटर को मीटर का सहायता लेंगे क्योंकि मीटर के सहायता से और भी हमको जानकारी मिलेगा। कंटिन्यू पे सेट करेंगे मीटर को और उसके बाद नेगेटिव पावर को हम 20 के पिन पे रखेंगे। उस
उसके बाद इसको भी हम चेक करेंगे वैसे ही हिसाब से। और मीटर की वायर हम उल्टा करेंगे, उल्टा करके प्लस को हम प्लस वायर को हम बीस के पेन पे रखेंगे। सही है मॉस्फेट, ये तीनों मॉस्फेट सही है। और ये दोस्तों यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर है उसको भी चेक कर रहा है। मीटर के दोनों वायर हम अदल बदल करके हम चेक करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कभी कभार क्योंकि बेस मीटर और कनेक्टर जो जनरेटर का जो ये हमको पता लगता है क्योंकि सही है। दोस्तों हमारे हिसाब से तो एक ही ट्रांजिस्टर जला हुआ था, पहले तो सारा ट्रांजिस्टर हमने चेंज कर दिया था, एक ही जला हुआ लगता है। इसमें लगाएंगे दोस्तों हम 49540, ये ट्रांजिस्टर हमारे पास मौजूद है। कोशिश करिए ज्यादातर ओरिजिनल लगाने का, क्योंकि इसमें दोस्तों ओरिजिनल लगाने से बेहतर होता है। हम पिन को इसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से कर देंगे, क्योंकि पिन नहीं काटेंगे हम, ऐसे ही बड़ा रहने देंगे, क्योंकि इसका ट्रैक जो है एकदम पतला है। तो दोस्तों ये सर्किट जो हमने ट्रांजिस्टर लगाया है इसको हम थिनर की मदद से हम इसको थोड़ा सा क्लीन करने की कोशिश करेंगे। कभी कभार दोस्तों अगर सारे पार्ट्स सही है तो भी काम नहीं कर रहे हैं, नहीं घूम रहे हैं, तो मैग्नेट बना रहा है लेकिन नहीं घूम रहा है, तो अब 100% मान लीजिए ये सेंसर जो है ये सेंसर खराब है। क्योंकि दोस्तों हमारे जो काम होता है जो
पहले काम करो उसके बाद वॉइस डालो, ऐसा नहीं। काम करते वक्त जो कुछ कहना है उस काम करते वक्त कहता हूँ। तो दोस्तों कभी कभार गलत भी हो जाता है, बीच में दो गुटका दिया हुआ है क्योंकि ये जो सर्किट बॉडी में टच ना हो, थोड़ी दूरी बनाई के रखने के लिए। कॉइल का दो वायर बाहर निकल के आया है, इसको दोनों को हम सोल्डरिंग कर ही देते हैं। और उसके बाद जो बैटरी का प्लस माइनस इसमें कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जिस तरफ वायर जॉइन करना है बैटरी का उस तरफ जॉइन कर सकते हो, क्योंकि इसमें ऑलरेडी डायोड स्टार डायोड से इसका बैटरी कनेक्शन बाहर निकाला हुआ है, क्योंकि इसमें प्लस माइनस का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि तो अभी तक इसका मैग्नेट नहीं बनाया है, इसी दौरान हम सेट करेंगे। यहाँ पे एक लाइन कटा हुआ है, यानी इस तरफ से गया है और लाइन कटा हुआ है, तो इसको हम बना लेते हैं पहले। इसको बाद में हम सेट कर देंगे, पहले हम देख लेते हैं ये काम होता है या नहीं। इसमें कोई रिएक्शन नहीं है, यानी मैग्नेट अभी तक कुछ भी मैग्नेट नहीं बनाया हुआ है, तो इसका रिजल्ट देखते हैं। बैटरी कनेक्शन उल्टी सीधी करके दोस्तों मीटर का सहायता लेंगे हम, क्योंकि इसमें अच्छी तरह से वोल्टेज मिल रहा है या नहीं वो चेक करना है। हो गया हमारा प्लस पॉइंट, यानी लाइन तो मिल रहा है।
दोस्तों इसका और भी फॉल्ट है। उसको हम अच्छी तरह से चेक करके हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारी जो वोल्टेज है वो अच्छी तरह से मिल गया है। हम अभी इसका जम्पर जो है अच्छी तरह से लगा दिया है। ये जम्पर का फॉल्ट था। तो दोस्तों ये जो बॉडी देख रहे हो ये फैन का, ये हालांकि इसका नहीं है, इसका अलग है, ये वाला है इसका। तो इसे हम चेक करके देखते हैं घूमता है या नहीं। उसके बाद इसका बॉडी पीछे है, इसमें नहीं आएगा क्योंकि घिस रहा है इसमें, तो भी हम चेक करके इसको देख सकते हैं चलता है या नहीं। नमो तो दोस्तों अच्छी तरह से घूम रहा है। तो इसका तो ये तो चेक हो गया है, इसका प्रॉपर तरीके से फिट नहीं हो रहा है क्योंकि दिखाते हैं आपको, ये बॉडी जो है दूसरे फैन का है, दूसरा डीसी फैन का है, इसमें मैग्नेट है, कहाँ पे घिस रहा है ये हम दिखाते हैं आपको। यहाँ पे घिस रहा है, ये जो सेंसर का जो ये है थोड़ा उषा की तरफ रहता है तो इसीलिए घिस रहा है। तो हम यहाँ पे इस वाला कुछ सामान लगाया है लेकिन कोई काम का नहीं है, छोड़िए इसका। तो ये तो हो गया है। अभी दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट पर बता देना। सिर्फ एक ही मॉस्फेट खराब था इसका दोस्तों, ये हो गया है। भाई दोस्तों इसका वीडियो आने वाला है जल्दी से, इसका क्या क्या हो रहा है वो आपको सब आहिस्ता आहिस्ता करके बताएंगे और रिपेयरिंग करेंगे।